लिवरपूल के सेंटर बैक्स फर्स्ट फेज में एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स पे स्प्लिट होकर गोलकीपर के अलोंग साइड खेल रहे थे। इंटर ऑन दी पेपर 3-5-2 फॉर्मेशन में थी। लुटारो मार्टिनेस और एलेक्सिस सांचेस मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे लिवरपूल के सेंटर बैक्स मातिप और वैन डाइक को। लुटारो मार्टिनेस और एलेक्सिस सांचेस सेंटर और नेरो रहकर लिवरपूल के पिवट्स थियागो अल्कांत्रा और फेबिनियो को कवर साइड कर रहे थे और उनकी जो पासिंग लेन है वो कट कर रहे थे। लिवरपूल के जो व्यक्ति थे उसके सामने इंटर 3-2 डाउन थी और लिवरपूल इजीली गेम बिल्ड कर पा रही थी फर्स्ट फेज में, क्योंकि जो उनके जो फुल बैक थे वो हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे और सेंटर बैक्स के लिए इजी आउटलेट ऑप्शन थे। जब डीप वाइड जोन में लिवरपूल के फुल बैक के पास बॉल होती थी तब इंटर का विंग बैक और सेंटर मिडफील्डर रेडी थे लिवरपूल के फुल बैक और सेंटर मिडफील्डर को मैन टू मैन प्रेस करने के लिए। इंटर का फ्रंट मैन लुटारो मार्टिनेस सेंट्रल से वाइड ड्रिफ्ट होकर लिवरपूल के फुलबैक का जो रिटर्निंग बॉल था सेंटर बैक के लिए उसकी जो पासिंग लेन है वो कट कर रहा था और इंटर फोर्स कर रही थी लिवरपूल को लॉन्ग बॉल या फिर क्लियरेंस करने पर। इंटर मिडफील्ड में फर्स्ट बॉल या फिर सेकंड बॉल विन करके लिवरपूल को ट्रांजिशन में ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, जो लिवरपूल के लिए बहुत ही डेंजरस था। लिवरपूल ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। इंटर के फ्रंट टू लुटारो मार्टिनेस और एलेक्सिस सांचेस सेंट्रल ऑनर रहकर लिवरपूल के होल्डिंग मिडफील्डर फेबिनियो और थियागो अल्कांत्रा को कवर शैडो कर रहे थे और उनकी जो पासिंग लेन है वो कट कर रहे थे। फेबिनियो और थियागो अल्कांत्रा सेंट्रली आइसोलेट हो चुके थे और लिवरपूल ट्राई कर रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने की। इंटर की मिड थ्री लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर रही थी, डिपेंड करता है बॉल किस साइड पे, और जो बिटवीन द लाइन खेल रहा था प्लेयर कर्टिस जोन उसकी जो पासिंग लेन है वो कट कर रहे थे। इंटर ओपन प्ले में फ्लैट एंड सेंट्रल मिडफील्ड बनाकर खेल रही थी। चालानेग्लू कवर शैडो कर रहा था कर्टिस जोन को। मोहम्मद सलाह विंग पे ऑलरेडी आइसोलेट था विंग बैक के हाई प्रेस करने की वजह से और जो इंटर का फ्रंट मैन था लुटारो मार्टिनेस वो वाइड मूव करके होल्डिंग मिडफील्डर फेबिनियो की जो पासिंग लेन है उसको ब्लॉक कर रहा था। जब इंटर की मिडफील्ड बाईपास या फिर स्प्लिट हो रही थी तब डिएगो जोटा मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर रहा था और इंटर का सेंटर बैक रेडी था उसको क्लोज डाउन करने के लिए, क्योंकि इंटर 5-3-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। इंटर के दो डिफेंडर्स विंग बैक और सेंटर बैक आउट ऑफ पोजिशन थे, फिर भी इंटर इस सिचुएशन को इजीली डील कर पा रही थी क्योंकि इंटर के एटलीस्ट 3 डिफेंडर पीछे थे लिवरपूल के फॉरवर्ड्स को रोकने के लिए और वो ट्रांजिशन में 3-2 थे। लेटर इन द गेम लिवरपूल का होल्डिंग मिडफील्डर थियागो अल्कांत्रा सेंटर से वाइड मूव कर रहा था और आउटलेट ऑप्शन बन रहा था सेंटर बैक्स के लिए। थियागो अल्कांत्रा के वाइड जोन में मूव करने की वजह से लिवरपूल के फुलबैक रॉबर्टसन के पास लाइसेंस था फ्लैंक पे हाई पुश करने का और इंटर के वाइड मिडफील्डर अर्टुरो विदार के सामने 2-1 सिचुएशन बन रही थी। इंटर ओपन प्ले में 5-3-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। इंटर की मिडफील्ड जब आउट ऑफ पोजिशन होती थी तब इंटर का विंग बैक पैसिच रेडी था लिवरपूल के फुलबैक को क्लोज डाउन करने के लिए और उसकी वजह से मोसाले के पास फ्लैंक पे काफ़ी स्पेस था और उस स्पेस को बास्तोनी ऑक्यूपाई कर रहा था और जो रिमेनिंग डिफेंडर थे वो वाइड मूव कर रहे थे डिफेंड करने के लिए। इंटर ओपन प्ले में 5-3-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। इंटर के मिड थ्री सेंट्रल और नेरो रहकर जोन 14 को प्रोटेक्ट कर रहे थे और बिटवीन द लाइन प्लेयर की पासिंग लेन कट कर रहे थे। इंटर फर्स्ट पेज में बैक फोर के साथ गेम बिल्ड कर रही थी। वाइट बैक मिलन स्क्रीनर टेम्पररी राइट बैक और पैसिज लेफ्ट बैक था। लिवरपूल फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। मोहम्मद सलाह और डिएगो जोता मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे इंटर के सेंटर बैक्स को। इंटर यूज़ कर रही थी सोल पिवट जोता ब्रोजोविच और उसको थियागो अल्कांत्रा मार्क कर रहा था।